हे गाइस, आई एम वेलकम बैक टू द पोकेमोन वाइट टू वर्जन, जहाँ पे गए पिछली बार हम लोगों ने कंप्लीट किया था जोटो लीडर का टूर्नामेंट। एंड यस गाइस, यार आज जो है मैं यहाँ से दोस्तों अपने आगे के जो टूर्नामेंट है उसे कंप्लीट करने के लिए जाने वाला हूँ। तो देखते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी हमारा आज का कौन सा टूर्नामेंट होता है। एंड जस्ट टू बी श्योर गाइस यार, देखते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा आज का भी टूर्नामेंट। तो चेक करेंगे अगर हमारा आज का टूर्नामेंट है अगेंस्ट दी कैंटो। यस यार, कैंटो के साथ जाते हैं। चलो यार, कल जोटो के साथ गए थे ना, तो आज कैंटो के साथ जाते हैं। तो इसके खिलाफ भी गाइस यार हम रखेंगे अपने स्पाइक को। बार्की को रखे क्या? नहीं यार, बार्की को चलो गाइस यार इन तीनों के साथ ही जाते हैं। हमारे तीन जो पार्टनर्स रहे हैं इन टूर्नामेंट्स में उन्हीं के साथ ही भी चले जाता हूँ। तो लेट्स गो गाइस यार, यहाँ पर अभी अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी सीधा यहाँ से अभी देख लेते हैं कौन कौन जो है। ओके, ओ जियोवानी है यहाँ पे गाइस यार। ओके, जेनी है, सबरीना, इरिका, ब्रॉक, ब्लेन, हम और मिस्टी। ओके, हमारा फर्स्ट बैटल गाइस यार मिस्टी के खिलाफ है, तो मुझे लगता नहीं है कि फर्स्ट बैटल हमें ज़्यादा बॉदर करेगा अनलेस एंड अंटिल कि यहाँ पे अपना कह सकते हो ना कि इलेक्टावायर अपना स्पाइक धोखा ना दे। क्योंकि गाइस यार यहाँ पर अगर वो डाउन हो गया तो फिर वो बैटल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है। सामुराई तो जिता देगा बट अगर वो भी डाउन हो गया तो फिर मैं हार ही जाऊँगा यार, क्योंकि वैसे भी बार्की गाइस यार स्टैंड अप नहीं हो पाएगा। ओके, उसने शुरुआत की है गाइस यार यहाँ पे स्टामी के खिलाफ। एंड अगर आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज एंड मेरा वॉइस जो थोड़ा सा ख़राब नज़र आता रहेगा, ये कारण इस वजह से है क्योंकि गाइस यार काफ़ी ज़्यादा भयानक जो है वो सर्दी बुखार हो चुका है। मतलब कि यार पिछले हफ्ते भी हुआ था, पिछले हफ्ते इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं था बट इस हफ्ते ना गाइस यार काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीडियो शूटिंग के दौरान जो है वो खांसी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एंड इसी का कारण जो है गाइस यार यहाँ पर मैं बीच में वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ। एंड मतलब कि पूरा का पूरा जो है वो कुछ कह नहीं सकता यार, इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे परेशानी हो रही है। बट आपको तो पता ही है मुझे गैप्स लेने अच्छे नहीं है। एंड ये तो बस अपना मंथ स्टार्ट है, बस गाइस यार अभी 4 ही दिन हुए हैं। एंड आप लोग बोलोगे कि इतनी जल्दी इसने वीडियो एक दिन छुट्टी भी ले ली, ऐसा नहीं करूँगा गाइस यार। इस वजह से जो है वो वीडियो आज के दिन आ रही है। तो अभी इस कह सकते हो ना, अगर 2-3 ये वीक ना गाइस यार थोड़ा सा संभाल लेना, अगले वीक से जो है वो अच्छा मैं वॉइस लेकर आने की कोशिश ज़रूर करूँगा आप लोगों से। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमने लैपरस को भी जो है वो डाउन कर दिया है। नेक्स्ट अप है गाइस यार यहाँ पर अभी गोल्डक, और गोल्डक के खिलाफ ना गाइस यार यहाँ पर ना अभी हम इस्तेमाल करते हैं डिस्चार्ज के साथ, क्योंकि गाइस यार ओके एक्वाजेट से शायद इतना थोड़ा सा डैमेज हो सकता है मुझे। प्लीज़ स्पाइक डाउन मत हो। शिट यार, गोल्डक के खिलाफ जो है वो आई गेस कि लंबा बैटल चल सकता है, क्योंकि गाइस यार एक्वाजेट फर्स्ट हिट होता है, दैट इज़ द रीज़न कि हम डाउन हो पाया, वरना फिर मैं ही हट दे सकता था उसे। तो चलो यार अभी मेगा हॉर्न के साथ ही जाते हैं। अरे यार अवॉइड कर दिया उसने अटैक, फिर से एक बार जाता हूँ मैं। फोकस ब्लास्ट इस बार हमने अवॉइड कर दिया एंड मेगा हॉर्न दे दिया है मैंने। ओके, तो गाइस यार अभी और थोड़ा सा डैमेज देने की ज़रूरत है, तो क्यों ना गाइस यार यहाँ पर अभी सर्फ के साथ ही जाता हूँ ना। वाटर टाइप पोकेमॉन के खिलाफ वाटर टाइप मूवी दे देते हैं, वही बेस्ट रहता है अगर देखा जाए तो। वाटरफॉल के साथ जाते हैं यार, वाटरफॉल भी जो है वो चेक करना रहता चाहिए ना यार, हर मूव का इस्तेमाल कर देखते हैं अगर कौन सा मूव बेस्ट गया तो उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अभी ना हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आइस बीम के साथ जाते हैं। चलो ओके, फोकस ब्लास्ट, आई होप कि ये डाउन ना करे हमारे सामुराई को। अरे यार ऑलमोस्ट डाउन करने ही वाला था, तो ओके यार थोड़ा सा ही डैमेज बचा है, तो मुझे लगता है कि अरे यार फोकस ब्लास्ट यार इसने फर्स्ट हिट ना बार बार देकर ना मेरा थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ दिया। तो अभी ये सब पूरा का पूरा बैटल जो है ना गाइस यार अपने बार्की के ऊपर है, देखते हैं सर यहाँ पर अभी अपने बार्की जो है वो कैसे वर्क करता है। ओके, एक्वाजेट दे दिया, अच्छी बात है, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता एक्वाजेट अगर देखा जाए तो। एंड दैट्स इट, स्ट्रेंथ देने के बाद हमने यहाँ पे सक्सेसफुली दोस्तों हरा दिया है गोल्डक को एंड हमने हरा दिया है गाइस यार यहाँ पे मिस्टी को। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी फर्स्ट राउंड तो हमने क्लियर कर दिया, सेकेंड राउंड में देखते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी कैसे जाता है हमारे ये सेकेंड राउंड। तो गाइस यार यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि अपना नेक्स्ट बैटल जो है वो जायंट स्क्रीन में किसके खिलाफ होता है। यहाँ पर अभी हम जायंट स्क्रीन में चेक कर लेते हैं। ओके, लेट्स चेक दी आउट द अदर मैचेस, डन योर अटेंशन इन द जायंट स्क्रीन। ओके, जियोवानी वर्सेस जेनी में यहाँ पे कौन जीता है? ओह, तो जेनिन जीत गई यार, जियोवानी को डिफीट कर दिया, ऑल्दो जियोवानी को जीतना चाहिए था। सबरीना और एरिका के खिलाफ कौन जीता? सबरीना जीत गई। ओके,
तो लास्ट बैटल मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ब्रॉक वर्सेस ब्लेन में कौन जीता? ब्लेन। ओके, तो वो कह सकते हो कि इतना डिफिकल्ट बैटल जाएगा नहीं है सेकेंड राउंड भी, अगर हमने सामुराई को ही लेकर आ गए तो फर्स्ट में ही। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे स्पाइक से भी थोड़ी सी उम्मीद है कि वो डिफीट कर दे यहाँ पे फर्स्ट पोकेमोन को। एंड लेटर ऑन दैट गाइज ना, हम जो है अपने सामुराई के साथ ही जो है वो बैटल डन कर देंगे। अगर कुछ परेशानी आ गई तो अपना गाइजर यहाँ पे बारकी तो है ही सब संभालने के लिए, जैसे कि अभी जस्ट उसने संभाला था। तो गाइजर यहाँ पर अभी ओके, देखते हैं गाइजर यहाँ पर अभी अपना ब्लेन के पास कौन से पोकेमोन्स हैं। रैपिडश तो पहले रहेगा, वो तो मुझे पता ही है। आर्कनाइन एंड मैग्मोटार भी रह सकते हैं, ये तीन मैं एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ। ओके, आर्कनाइन आ चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ऑल राइट। इसके खिलाफ ना गाइजर मुझे लगता है कि एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक होगा। फायर टाइप के खिलाफ, फायर टाइप पोकेमोन्स के पास ना कह सकते हो कि अच्छे अच्छे यार कह सकते हो ना गाइजर, अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स रहते ही है। तो गाइजर यहाँ पर उसने हमारे स्पाइक को तो डिफीट कर दिया है, तो अभी जो है मैं यहाँ पे अभी ओके डैमेज बाय द रिकॉइल फ्लेयर ब्लेड्स का इस्तेमाल किया ना, उस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचा हमें। तो सामुराई को लेकर आ जाता हूँ मैं। दे देंगे गाइजर यहाँ पर अभी एक सर्फ, अरे यार वाइल्ड चार दे दिया इसने, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गाइजर तंग करेगा ये बैटल, मुझे लगता तो यही है। तो चलो यार, आर्कनाइन को हमने हरा दिया है, अभी देखते हैं जो दो पोकेमॉन्स होंगे। आई होप सो कि उन दोनों के पास वोल्ट स्विच ना हो, नहीं तो फिर ये ऐसा कुछ तो मूव इलेक्ट्रिक टाइप वाला। चलो स्वर्ग दे दिया है, अरे यार इसके पास भी वाइल्ड चार्ज निकला, सब लोग के पास गाइजर यहाँ पे वाइल्ड चार्ज ही भरा पड़ा है। तो मुझे लगा था कि ये सेकेंड राउंड ईजी जाएगा, बट अभी ऐसा लग रहा है गाइजर ये राउंड भी जो है वो डिफिकल्ट जाने वाला है। लेट्स चेक इट आउट गाइजर, यहाँ पर अभी मैं जाता हूँ स्ट्रेंथ के साथ। ओके, हिप्नोसिस दे दिए है उसने, तो चलो गाइजर यहाँ पर अभी हम स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं वंस अगेन। ऑल राइट गाइजर, यहाँ पर अभी हम जाते हैं। ओके, स्ट्रेंथ दे दी है मैंने, ऑल राइट। तो रैपिडस को तो हमने हरा दिया, लास्ट है वे चारिजार्ड। ऑल राइट, तो बच गया मैं, एक जाता हूँ मैं। ओके, बच गया, ओह बस एक हिट एंड दैट सीट गाइजर, यहाँ पर ना हमने डिफीट कर दिया है गाइजर यहाँ पर अभी। तो चलो यार, यहाँ पर अभी फ्लेरियन ही है लास्ट में, तो थोड़ा फिर से मैंने रिवाइंड कर दिया था वो बैटल, अभी इस बार उसने फ्लेरियन के साथ लेकर आ गया। तो चलो गाइजर यहाँ पर अभी हम हरा देते हैं इस फ्लेरियन को, इसको लेकर आ गाइजर यहाँ पर अभी मैं चेक करता हूँ। चलो यार, स्पाइक अपना रिमेनिंग है तो इसको ही लेकर आ जाते हैं इस बैटल को कम्प्लीट करने के लिए। थंडरबोल्ट दे देता हूँ मैं यहाँ पर अभी। ओके, तो फ्लेल दे दिया उसने, तो थंडरबोल्ट दे देते हैं यहाँ पर अभी एंड दैट सीट। तो फ्लेरियन को जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोस्तों डाउन कर दिया है एंड दैट सीट। सेकेंड राउंड में मैं जो यहाँ पे गाइजर जीत चुका हूँ, तो देखते हैं गाइजर यहाँ पर अभी अपना जाइंट स्क्रीन में कि कौन कौन आगे की तरफ गया अपने लिए लास्ट राउंड में, कौन जो है गाइजर यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि गाइजर आपको तो पता ही है लास्ट राउंड जो है वो डिफिकल्ट तो होगा ही, तो लेट्स चेक इट आउट गाइजर यहाँ पर अभी देखते हैं। ओके, ये भी जीत गई, ऑल राइट। तो गाइज अपना नेक्स्ट बैटल जो है अगेंस्ट दी सबरीना, तो मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है गाइजर इस बैटल में। तो मतलब कि यार सबरीना के खिलाफ एक साइकिक टाइप ट्रेनर है, तो मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। चलो यार, यहाँ पर अभी अपने हम तो आ चुके हैं, यहाँ पर अभी हम सबरीना के आने का इंतज़ार कर लेते हैं यहाँ पे। मतलब कि यार डिफ़िकल्ट बैटल होगा ये, काफ़ी ज़्यादा ईजी तो नहीं होगा, क्योंकि सबरीना काफ़ी ज़्यादा टक्कर की ट्रेनर के सच में टक्कर की ओपोनेंट है हमारे खिलाफ, तो वो तो गाइज यार इतनी जल्दी हार तो मानेगी नहीं। ईजीली देखना पड़ेगा कि अभी कौन जो है वो डिप चैलेंज करने के लिए। ओके, तो आ चुकी है यहाँ पे गाइज यार सबरीना भी। ऑल राइट, फाइनल राउंड है यहाँ पे गाइज यार, यहाँ पर अपना सबरीना वर्सेस ध्रुव। ओके, 3 साल पहले इसको विजन है था कि यस, ये तो यार ऐसे क्या कहते रहती है, 3 साल पहले मुझे ये हुआ था, 3 साल पहले मुझे वो हुआ था, मतलब कि यार इसके बातों पर भी ज़्यादा गौर देता नहीं हूँ। ऑल राइट, हियर वी गो, ध्रुव दी गेमो वर्सेस दी सबरीना। तो कैसे यहाँ पर अभी हम इसके खिलाफ जो है वो एलेक्जाम, उसने शुरुआत की है एलेक्जाम के साथ, तो मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ अपने स्पाइक को। तो चलो कैसे यहाँ पर अभी हम डिफीट कर देते हैं स्पाइक को। ओके, साई शॉक के साथ शुरुआत की है। ऑल राइट, तो साई शॉक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था अगर देखा जाए तो डिस्चार्ज तो मैंने दे दिया है उसे एंड डिस्चार्ज से वो पैरालाइज तो हो चुका है गाइज।
तो क्यों ना अभी एक बड़ा मूवी ले जाए गाइजर थंडर के साथ। यस गाइजर थंडर दे दिया है मैंने यहाँ पे उसे, प्लीज यार एलेक्जाम डाउन हो जा। यस गाइजर दैट्स इट। तो एलेक्जाम को तो मैंने गाइजर यहाँ पर अभी डाउन कर दिया है। ओके हिप्नो है नेक्स्ट अप, तो हिप्नो के खिलाफ मैं जाता हूँ यहाँ पे एक और थंडर के साथ। अरे यार बच गया, तो चलो गाइजर एक बार थंडर बोल्ट के साथ जाकर देख लेते हैं। इस बार थोड़ा सा तो डैमेज हो जाए तो इतना काफ़ी रहेगा मेरे लिए। ओके शैडो बॉल दे दी है एंड दैट्स इट। यहाँ पे अपना स्पाइक जो है गाइजर यहाँ पे डाउन हो चुका है। तो अभी का जो बैटल है गाइजर, अभी मैं यहाँ पे बार्की को लेकर आ जाता हूँ। इस बार मैं सामुराई के साथ नहीं जाता, बार्की को लेकर आके हम दे देंगे एक फ्लेयर ब्लिट्स। एक बड़े मुंह के साथ चले जाता हूँ, आई होप सो कि फ्लेयर ब्लिट्स काम कर जाए। एंड अरे यार थोड़ा सा डैमेज बच गया, बट सिट्रस बेरी ने उसके थोड़ा सा जो है वो हीलिंग करा दी है। या सिट्रस बेरी ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद कर देती है यार अगर देखा जाए तो। एंड दैट्स इट। तो हिप्नो को भी गाइजर यहाँ पर हमने डाउन कर दिया है। तो अभी जो है लास्ट वन है जो कि बचा है गाइजर यहाँ पे स्लोकिंग। तो स्लोकिंग के खिलाफ ना भी है यहाँ पर मैं ओके आउटरेज के साथ जाता हूँ। ऑलराइट गाइजर यहाँ पर अभी एक और आउटरेज के साथ जाना की जरूरत तो है, बट देख लेते हैं गाइजर यहाँ पर अभी उसने कालमाइंड कर रहा है यहाँ पे। स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस उसका रोज कर रहा है वो बार बार। ओके तो स्प्रेन दे दी है मैंने यहाँ पे। ऑलराइट तो बस गाइजर यहाँ पर अभी थोड़ा सा ही डैमेज बचा हुआ है उसको डिफीट करने के लिए। तो गाइजर यहाँ पर ना हम ना गाइजर इसको डिफीट कर देंगे, इतना भी टेंशन की बात है नहीं इसको डिफीट करने में। बट गाइजर इस वीडियो को ना मैं थोड़ा सा जो हूँ जल्दी एंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि गाइजर आप लोग आपको आई हो तो वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा। क्यों मैं इतने जल्दी बंद कर रहा हूँ ना, आपने मेरी वॉइस से पहचान लिया ही होगा। थोड़ा सा गाइजर वॉइस इशू होने की वजह से जो है वो मैं वीडियो को जल्दी एंड कर दे रहा हूँ। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत करना मत भूलना। मुझे गाइजर फॉलो कीजिएगा, मेरी सोशल मीडिया की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो गाइजर आज के वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन वाई टू वर्जन। तब तक के लिए गाइजर यहाँ पे गुड बाय। प्लीज़ माफ़ कर देना गाइजर आज के अगले एपिसोड में, कल से मैं रेगुलर अच्छा अपना एपिसोड लेकर आ जाऊँगा। बाय बाय बाय।